देश की पूर्व विदेश मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज का निधन हो गया है। उनकी पहचान बीजेपी की एक प्रखर वक्ता के रूप में रही है। वो बातचीत के तरीके और अपने पहनावे के चलते दुनिया भर में भारतीय संस्कृति की छाप छोड़ती थीं। दिलचस्प बात तो यह है कि सुषमा स्वराज का पूरा जीवन सार्वजनिक रहा है, लेकिन उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी बहुत कम बातें ही लोगों को सामने आई हैं। अब जब सुषमा स्वराज इस दुनिया में नहीं हैं, तो उन्हें चाहने वाले उनसे जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को जुटाना चाह रहे हैं। उसी कड़ी में हम आपको उनकी शादी से जुड़ा हुआ वाक्या बता रहे हैं। सुषमा स्वराज की शादी स्वराज कौशल से हुई थी। स्वराज कौशल देश के जाने माने वकील हैं। चंडीगढ़ में पढ़ाई के दौरान सुषमा की दोस्ती स्वराज कौशल से हुई थी। शुरुआती दिनों में दोनों के बीच प्यार वगैरह जैसी कोई बात नहीं थी। दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे। वकालत की पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों दिल्ली में प्रैक्टिस करने आ गए। यहाँ आकर दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई, जिसके बाद सुषमा ने अपने घर में ये बात बताई। सुषमा के पिता हरदेव शर्मा आरएसएस से जुड़े हुए थे। प्यार की बातें सुनकर वो नाराज हो गए, जबकि बेटी सुषमा से उनका खास लगाव था, इसलिए वो बेटी की लव मैरिज के लिए मान भी गए। सुषमा के पति स्वराज कौशल 1999 से लेकर 2004 तक सांसद भी रह चुके हैं। उसके अलावा वो मिजोरम के राज्यपाल भी रह चुके हैं। उसके बावजूद वो ज़्यादा लाइमलाइट में भी नहीं रहे। उन्हें महज 34 साल की उम्र में देश का सबसे युवा एडवोकेट जनरल बना दिया गया था। स्वराज कौशल 37 साल की उम्र में मिजोरम के गवर्नर भी बन गए थे। वो 90 से 1993 तक उस पद पर रहे। करवा चौथ पर सुषमा स्वराज और उनके पति की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रही हैं। साल 2017 में स्वराज कौशल का ट्वीट वायरल हुआ था, जिसमें किसी ने उनसे पूछा था कि सर, आप सुषमा स्वराज को ट्विटर पर फॉलो क्यों नहीं करते हैं, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था, क्योंकि मैं लीबिया या यमन में फंसा हुआ नहीं हूँ। एक अन्य घटना में ट्विटर यूजर आकाश ने स्वराज से पूछा कि सर, बैंक की पासबुक को पैन कार्ड के लिए आवेदन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर जवाब मिला था, कृपया मुझे इनकम टैक्स कमिश्नर समझने की गलती न करें। रविवार को उनके पसंदीदा गायकों के बारे में पूछा गया तो स्वराज का जवाब था, मुकेश, सुरैया और किशोर कुमार। गवर्नर और सांसद बनने के बाद मुझे ही अपनी ही आवाज़ अच्छी लगने लगी है। द डेली न्यूज रूम से विनीत राय की रिपोर्ट।